माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल एक नंबर पर है, लेकिन आज मेरे सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य के जो लाखों नौजवान है महोदय, वो महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार से JSSC में लाखों रुपए में, 25 लाख 30 लाख रुपए में हाट बाजार में बेचा गया प्रश्न पत्र महोदय, ये बहुत ही शर्मसार करता है पूरे राज्य को। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस घटना की सरकार ने SIT से जांच कराने की कही है, कर भी रही है, चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन किंग पिन कौन है इस घटना का महोदय, ये जानना राज्य की जनता को जरूरी है कि आखिर कौन लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं जिन्होंने इस प्रकार के कुकर्म को अंजाम दिया है। महोदय, राज्य के जो लाखों नौजवान आज सड़क पर हैं, जो जिन्होंने कठिन तपस्या की, परिश्रम किया, लेकिन आज दर दर के ठोकर खा रहे महोदय, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार अविलंब उठकर और इसकी CBI जांच कराए महोदय, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे? इसके पहले इसी विधानसभा से पारित किया गया था कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट में गलती हो या क्वेश्चन लीक हो, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान में कुछ राज्यों में ऐसा नियम बनाया गया था। सरकार हमेशा गंभीर रहा कि नौजवानों से खिलवाड़, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो, उसके लिए कानून भी बनाया गया। ये घटना घटी है, सरकार की संज्ञान में है, SIT की गठन किया गया है, और मैं चाहता हूं अगर इस एजेंसी के द्वारा आने वाले दिनों में अगर का निष्पादन नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छोटी अगर कोई भी चीज है, बहुत गलती हुई है, उसको सुधार करने के लिए एक एजेंसी को लगाया गया, एक एजेंसी से अगर सफल नहीं होता है तो उस पर हम लोग सोच विचार करके आगे बढ़ना हम लोग निर्णय लेंगे, ये आश्वस्त करते हैं। CBI जांच कराने में सरकार को आपत्ति क्या है महोदय? आखिर आप भी न्याय चाहते हैं, हम भी न्याय चाहते हैं महोदय। ऐसे ऐसे एजेंसी को काम दिया गया जो दक्षिण में ब्लैक लिस्टेड है महोदय, कि अगर कोई भी थाने में केस दर्ज होता है। महोदय पूरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा कि आगे नहीं कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि कभी भी कोई केस अगर दर्ज होता थाना में, एक बार तो SP ऑफिस नहीं जाते हैं, DIG के यहाँ नहीं जाते हैं। तो हमारी सरकार ने संज्ञान लिया, और इसके पहले भी हम लोगों ने इस बात को आम जनता के बीच में मैसेज देने की काम किया कि इस तरह का अगर कोई कार्रवाई होता है उस पर इतना साल का सजा होगा, इतना रुपया उसका जुर्माना होगा। ये तो हमने हमने हमारी सरकार ने सोच रखी थी, और मैं इस बात को विश्वास दिलाते हैं अगर इस जो SIT गठन हुआ है, इस SIT गठन में अगर सफल नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक ठीक है, प्रिंसी जी।